हेलो एवरीवन, आई एम अंकुर चावला, फाउंडर ऑफ स्कोप बेव। आज वाइन एपिसोड में हम ये बात करने वाले हैं कि वाइन कैसे बनती है, अलग अलग तरीके की वाइन क्या होती है, वाइन के लेबल कैसे पढ़े जाते हैं, और हम वाइन टेस्ट भी करेंगे। और वाइन वीडियोस के लिए देखते रहिए कॉकटेल चौकी। हेलो फ्रेंड्स, कॉकटेल चौकी में आप सबका स्वागत है। कॉकटेल्स, वाइन, स्पिरिट्स के बारे में हर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल चौकी और बेल आइकॉन नोटिफिकेशंस बटन प्रेस करके हर दिन देखिए कॉकटेल और स्पिरिट्स एपिसोड्स। हाय, आई एम अंकुर चावला, फाउंडर ऑफ स्कोप बेव। सिंपल टर्म्स में अगर कहा जाए तो वाइन इज जस्ट अ फर्मेंटेड ग्रेप जूस। ग्रेप्स के अंदर जो शुगर्स होती हैं, उन शुगर को यीस्ट का यूज करके अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो वाइन बनती है। वाइन के चार कैटेगरीज रहती हैं, स्टिल वाइन्स, स्पार्कलिंग वाइन्स, एरोमेटिक वाइन्स एंड फोर्टिफाइड वाइन्स। हेलो एवरीवन, आई एम अंकुर चावला, फाउंडर ऑफ स्कोप बेव। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वाइन्स, जो अगली कैटेगरी वाइन्स की है वो है स्पार्कलिंग वाइन्स। स्पार्कलिंग वाइन्स पूरी दुनिया में बहुत जगह पे बनती है। ये बनती है या तो वाइट ग्रेप से, या वाइट और रेड के मिक्सचर से, या सिर्फ रेड ग्रेप से भी बन सकती है जिसके अंदर हम स्किन हटा देते हैं। स्पार्कलिंग वाइन्स में बेसिक डिफरेंस जो होता है स्टिल और स्पार्कलिंग में, वो ये है कि स्पार्कलिंग वाइन में कार्बोनेशन होती है, जिसको CO2 भी कहा जाता है, जो या नेचुरली बनती है या ऊपर से ऐड करी जाती है, कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द मेथड। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन स्पार्कलिंग वाइन का रहता है कि कहीं से भी कोई भी स्पार्कलिंग वाइन शैम्पेन नहीं कही जाती। एक पर्टिकुलर रीजन है शैम्पेन फ्रांस के अंदर, जहां से अगर स्पार्कलिंग वाइन आती है एक पर्टिकुलर मेथड में बनी हुई, तो उसे ही शैम्पेन कहा जाता है। वाइन्स के बारे में और जानकारी के लिए देखते रहिए कॉकटेल चौकी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल चौकी।